अगर आप भी कोई लंग इंजरी है कुछ है, आप छोटे हॉस्पिटल दे गए वहाँ टाइम। मेरा नाम डॉक्टर वैभव मिश्रा है और मैं यहाँ पे मेरा मतलब ये था कि किसकी गलती ये बताएंगे, रोड सेफ था, किसी और की गलती थी ये, तो अपने सही अस्पताल में जाना ही बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे पास आए बारह और अगर ऐसे कुछ सवाल पूछे इसमें ऐसा यूनिक क्या है, मतलब नहीं ऐसा कि ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन ये बड़ा बॉडी है कुछ, जैसे चेस्ट वॉल थी इस तरह की लगी बाहर खुल गई ब्रेन पे थी, उसके नीचे बोन होते हैं थोड़ा बाहर आ गया था, उसके अंदर फेफड़े होते हैं तरीके से काटे जैसे हम सर्जिकल इंसिजन देते हैं उसको सिलना बाहर आ गया बेसिकली रेयर केस है इनका फेफड़ा बाहर आके इस तरह के केसेस देखने नहीं मिलता। पीछे हार्ट दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे हार्ट, इस वक्त पेशेंट वेंटिलेटर पे सर्जरी के लिए बिल्कुल रेडी है और इसमें बीच में जितने मसल्स होते हैं टेंडन्स होते हैं जो रिपेयर के वेरियस स्टेजेस उससे कहीं ना कहीं वो यंग है, तो मुझे ये लग रहा था कि और आपकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई कमी ना हो रहा है। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बंद हो चुकी है लेकिन ये देखिए इसके बाद हमने रिप्स को ये आपको बाहर ये दो लेयर मसल लगने के बाद है, कुछ और फोटोज थी जिसमें कि पीछे जो फोटो लेयर मसल है से बांधा हुआ है वो यही चीज़ है और ये जो है ये फाइनल कैब यानी कि जो पपड़ी है वो बनी हुई है वो निकल जाएगी अपने आप नीचे स्किन और बहुत सारा उसमें कपड़ा इसमें हमने दिखाया नहीं शाम के 5 बजे तक। हमने कही कि फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दो आप तो वो फिर